हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम मस्त हैं। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं द एक्सपेंसेस, और दुबई में रहने के लिए कितना सैलरी की जरूरत है, क्या एक्सपेंसेस है, कितनी मिनिमम सैलरी में आपका यहाँ पे आप अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं क्या रिक्वायरमेंट है अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए। जो पहला रिक्वायरमेंट है वो तो है कि सैलरी आपकी मिनिमम 4000 होनी चाहिए, अगर आप मेल हैं तो तभी आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एंड अगर फीमेल की बात करें, अगर आप फीमेल है, जैसे हमें स्पॉन्सर किया संध्या ने, तो संध्या की सैलरी कम से कम 10,000 होनी चाहिए, उसी तभी वो हमें स्पॉन्सर कर सकती थी। तो संध्या की सैलरी 10,000 से ऊपर है, इसीलिए हमें स्पॉन्सर कर पाई है। और अगर आपको जानना है कि एक फीमेल अपनी फैमिली को कैसे स्पॉन्सर कर सकती है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता सकती हूँ कि मैंने कैसे इन दोनों को दुबई आने के लिए स्पॉन्सर किया था। अब बात करते हैं रेंटिंग, हाउस रेंटिंग की। अब जब फैमिली आएगी तो आपके पास घर होना भी जरूरी है, तो अगर आपको स्टूडियो चाहिए, स्टूडियो जैसे कि इंडिया में भी होता है, रूम के अंदर ही किचन होता है, वहीं पे वॉशरूम होता है, अगर आपको एक स्टूडियो लेना है तो वो आपको 1500 टू 2000 दिरहम पर मंथ में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 BHK लेना है, दैट विल कॉस्ट यू 2500 टू 3000 दिरहम। वैसे तो आपने वीडियोस में हमारा घर देखा ही होगा, लेकिन अगर आपको अगर हाउस टूर चाहिए कि दुबई में 1 BHK कैसा होता है, तो हम आपको उसका हाउस टूर भी दे सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं तो हम एक हाउस टूर वीडियो भी बना सकते हैं उसके ऊपर। हमारा जो फ्लैट है उसका जो रेंट है वो 3000 दिरहम्स है 1 BHK का, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमारा घर देख के 1 BHK 3000 में कैसा है, और उसी के हिसाब से फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी पहले से ही प्लान कर सकते हैं कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना क्या चाहिए, आप हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आपको पता ही है कि डेली कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है। यहाँ पे दुबई में इंटरनेट थोड़ा महंगा है, सो हमारा जो वाईफाई का प्लान है वो है 299 दिरहम्स का, एंड टैक्सेस लगा के वो हमें पड़ता है 314 दिरहम्स। तो हमारा जो वाईफाई है वो है अनलिमिटेड प्लान, आप कितना भी उसको टीवी में चला सकते हैं, कितनी भी फोन डिवाइसेस उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और उसका बिल आता है हमारा 314 दिरहम्स पर मंथ। बाकी मोबाइल के एक्सपेंसेस भी थोड़े से ज्यादा है, लाइक जैसे हम इंडिया में थे तो वहाँ पे 700-800 जो भी था कि 84 डेज के लिए कंप्लीट हम यूज कर सकते थे, लाइक एक डे से 1 से 1.5 GB डाटा भी मिलता था, कॉलिंग भी अनलिमिटेड थी। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे रिचार्ज का कॉलिंग का अपना अलग होता है और बाकी अलग अलग प्लान्स है, तो थोड़ा सा मोबाइल का जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े ज्यादा है, इंटरनेट भी थोड़ा सा महंगा है। तो ये आपको अराउंड महीने का 200 दिरहम के आसपास अपने मोबाइल का भी एक्सपेंस मान लीजिए, अगर आप इंटरनेट भी यूज करते हैं, कॉलिंग भी यूज करते हैं। अब घर के बाद बात आती है ग्रोसरीज की। इट डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंसेस कैसे हैं, आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं। हमारा जो मंथली ग्रोसरीज का खर्चा है वो अराउंड 1200 टू 1500 दिरहम्स का है। लाइक हमारी जो वीकली ग्रोसरीज आती है जिसमें दूध, सब्जी, दाल, चावल, वो सब कुछ जो आता है, वो हमें करीब 300 दिरहम्स पर वीक पड़ता है। तो लमसम ग्रोसरीज के लिए You can keep 1200 to 1500 dirhams. And it depends. Actually, हमारा जो साहिब है वो अभी छोटा है, तो उसका दूध का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, और उसके लाइक स्कूल में चॉकलेट्स और ये सब चीज जो जाती है, वो चॉकलेट केक अलग से स्नैक्स आते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा एक्सपेंसेस ज्यादा है। वैसे अगर एवरेज वाइज देखा जाए तो एक नॉर्मल फैमिली लाइक 3 or 4 फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 1 या 2 बच्चे का आराम से आप देखें तो 800 से 1000 के बीच दिरहम्स में काम आराम से हो जाता है। तो उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल्स, जिसमें आपका टूथपेस्ट, आपका सोप, आप ये सारी नीड्स डिपार्टमेंटल, अगर आपने कोई बेसिक मेडिसिन लेनी है वो सब, तो उसका कुछ आपको 200 टू 300 दिरहम्स पर मंथ डिपार्टमेंटल के लिए आपको हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका दीवा। दीवा इज दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर अथॉरिटी। यहाँ पे हमें पानी का भी पैसा देना पड़ता है, आप जितना घर में पानी यूज करेंगे आपको उसका भी पैसा देना पड़ता है। सो फॉर अ फैमिली ऑफ 3 or 4 जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 किड्स हैं, अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब आपका एसी का यूसेज लाइक 24/7 होता है, तभी आपका जो मैक्सिमम दीवा है दैट विल बी 500 दिरहम्स पर मंथ। लेकिन अगर आप एवरेज लगाएं तो योर दीवा विल बी मिनिमम 250 टू 300, लाइक फ्रॉम अक्टूबर
से अभी ये अप्रैल चल रहा है, अभी तक हमारा हर महीने जो दीवा का बिल आ रहा है वो 250, 260 आ रहा है। उसके बाद आता है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर यहाँ पे मुझे लगता है शायद इंडिया से सस्ता ही है, क्योंकि जो गैस सिलेंडर का प्राइस है वो है यहाँ पे 140 दिरहम्स, लेकिन आपका जो एक गैस सिलेंडर है वो आराम से 4 से 5 महीने तक चल जाता है। सिलेंडर का साइज थोड़ा सा ज्यादा है, हमारे जो साइज है छोटे होते हैं, मतलब 14.2 केजी की जो गैस आती है उसमें सिलेंडर में, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, 18 केजी के आसपास का है आई थिंक। और भी बड़े वाले भी आते हैं, लेकिन यहाँ जो घर में लगाए जाते हैं वो 18 केजी के आसपास के लगाए जाते हैं एंड काफी दिन तक चलते हैं। एक्चुअली हमारा 14 केजी का जो हमारे गुड़गांव में इंडिया में रहते थे तो वो 1 से 1.5 महीना चलता था, लेकिन ये 18 केजी वाला अराउंड 4 के अभी हमें यहाँ पे आए हुए अराउंड 8 से 9 महीने हो गए हैं, और अभी दूसरा सिलेंडर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो भी अभी चालू है। उसके बाद आता है बच्चों की स्कूलिंग। हाँ, दुबई में स्कूलिंग और मेडिकल बहुत महंगा है। आप जब भी अपनी फैमिली के साथ मूव करें तो मेक श्योर करें कि आपकी कंपनी आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस पूरे बेयर करे। लाइक मेरी कंपनी का जो एक्सपेंसेस है उसमें हमारा फुल 100% पेमेंट कंपनी से ही है। इवन जो हमें मेडिसिन भी मिलती है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे वो भी मेरी कंपनी की तरफ से पेड है। जो हमें मैक्सिमम देना पड़ता है वो है 20% या फिर 50 दिरहम। मतलब अगर हमारा कितना भी बिल होगा हम 50 दिरहम से ऊपर पे नहीं करते हैं। सो अगर आप मूव करने की सोच रहे हैं तो मेक श्योर करें आप अपना पहले मेडिकल चेक कर लें कि आपकी कंपनी मेडिकल में क्या क्या कवर कर रही है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस ना दुबई में बहुत महंगे हैं, दवाइयां बहुत महंगी हैं और हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो बहुत महंगा है। लाइक छोटा सा जैसे लाइक बुखार भी आ जाता है ना, जैसे मुझे बुखार आया था, मेरा तो कवर्ड था लेकिन मैंने बिल पूरे देखे थे, जो बिल थे वो अराउंड 1 दिन डॉक्टर की जो विजिट है और उसके बाद जो उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई लिखी थी वो समहाउ 11,500 रुपए इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें 11,500 रुपए 1 दिन की डॉक्टर विजिट और 1 हफ्ते की दवाई का 11,500 थे। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें कि अगर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करें। अगर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप पहले स्कूलिंग का भी ध्यान रखेंगे। अगर आपका 1 किड है तो मिनिमम 1,000 to 1,500 डिरम्स पर मंथ आपको उसको स्कूलिंग के लिए आपको एवरेज लगा के चलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अगर आप ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं फॉर 1 किड। और बाकी दिस इज ये आपका फाउंडेशन स्टेजेस के लिए हमने फीस बताई, क्योंकि अभी साहिब सिर्फ फाउंडेशन स्टेज में है, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका उनकी फीस भी बढ़ेगी। बट फीस में इतना अंतर नहीं है, जैसे मैंने चेक किया है फाउंडेशन में और लाइक 5th क्लास तक में ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब वही 200 दिरहम 300 दिरहम क्लासेस के हिसाब से अंतर है। पर आप मान के चलिए कि 1,000 to 1,500 दिरहम्स आपको महीने का एक्सपेंस स्कूलिंग का भी 1 किड का पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस मेट्रो की सर्विसेज बहुत अच्छी है, और जैसे इंडिया में मेट्रो कार्ड होता है वैसे यहाँ पे भी नॉल कार्ड होता है, जो कि आपका मेट्रो बसेस में इजीली यूज हो जाता है। और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है दुबई में। आप इनफेक्ट दुबई नहीं मैं बोलूंगी इंटरसिटी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आप बस लेके शारजा जा सकते हैं, रसल खेमा जा सकते हैं, अबू धाबी जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। सो अगर आप वर्किंग है और आपने अप एंड डाउन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना है तो 100 to 200 dirhams पर मंथ आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी रख सकते हैं। लाइक मिनिमम अगर 4 to 5 स्टेशंस हैं, 4 to 5 तो आपका 3 dirham मिनिमम जो चार्जेस हैं वो लगते हैं, और जो मैक्सिमम है वो है 7.5 dirham जो मैक्सिमम है। आप अगर फर्स्ट स्टेशन से लास्ट स्टेशन जाते हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम चार्जेस है, लाइक जैसे दिल्ली में होता है मैक्सिमम चार्जेस 60 rupees होता है, यहाँ पे मैक्सिमम चार्जेस 7.5 dirhams, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक भी जाएंगे 7.5 dirhams से ऊपर नहीं है, नहीं लगेगा। एंड अब बात आती है कि बाहर खाने की, लाइक रेस्टोरेंट्स में होटल्स में खाने की बात आती है। अगर आप बाहर घूमने जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर आप दुबई जैसे सिटी में रहेंगे तो बाहर घूमेंगे भी और बाहर का खाना खाएंगे भी, तो यहाँ पर खाने की अगर देखा जाए तो आप एक अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं, लाइक हम जाते हैं वेज रेस्टोरेंट्स में, नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे काफी सारे, तो हमारा जो एक्सपेंस हम तीनों का आता है वो ऑलमोस्ट 50 to 60, 70 dirhams के आसपास पड़ जाता है अकॉर्डिंग टू द डिशेज
कि हम कौन सी डिश ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन आप मान के चले कि 50 से लेके 100 दिरहम्स के बीच में आप एक दिन का आपका हो जाता है। तो आप मान लीजिए हफ्ते में एक, क्योंकि सैटरडे संडे में एक दिन जाते हैं, तो आप उसका भी 400 to 500 दिरहम्स का खर्चा आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से बनता है, इतना आप उसको भी लगा के चलिएगा। एंड अब बात करते हैं हम कि टोटल हमारा कितना एक्सपेंस हो जाएगा मंथली का, कितनी सैलरी मिनिमम होनी जरूरी है अगर आप एक फैमिली ऑफ थ्री को करते हैं। बाकी ये तो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये है जो हमने पूरा एवरेज काउंट लगाया है कि इतना खर्चा हो सकता है। तो ये टोटल काउंट जो आ रहा है हमारा वो है 6000 दिरहम्स के आसपास एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। अब बाकी आप इसमें ये हमने 1 BHK का जो काउंट किया वो है, बाकी आप स्टूडियो लेते हैं या क्या लेते हैं उसके हिसाब से आपके जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आप इंटरनेट फैसिलिटी कैसा लेते हैं या आपके ग्रोसरीज और बेसिक नीड्स कितनी है उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आप बाहर कितना एक्सपेंस कर रहे हैं खाने पीने पे, इन सब चीज़ों पे उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो लगभग ये मान के चलिए कि इतने के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, मैं आपका मंथली एक्सपेंसेस और इतनी सैलरी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी लाइफस्टाइल की, डेली लाइफस्टाइल की और दुबई से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।